चंडीगढ़ से फरीदाबाद जा रही हरियाणा रोडवेज की करनाल जीटी रोड पर नई अनाज मंडी के समीप बस पलट गई, जिसमें काफी संख्या में यात्री घायल हो गए, जिनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। घायलों ने बताया कि यहां पर उनका इलाज बड़े अच्छे प्रकार से हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की देखभाल के लिए भी अच्छे प्रबंध किए गए हैं। सर, आपका नाम? बस में चढ़े थे जी, और हम पीछे बैठे हुए थे जी, एकदम देखा कट मार के एकदम पलटी जब पकड़ लगा। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पानीपत के। क्या कुछ ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया? सब कुछ दिया गया। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम? सर, आपके साथ यहाँ पर पेशेंट आए हुए हैं, क्या कुछ मैटर है, किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ हुआ था इनको? मैम, वहाँ से बस में जा रहे थे, जाते जाते वहाँ से एकदम अचानक से बस में ब्रेक लगवाए, उन्होंने पता लगे क्या है आगे, हम पीछे बैठे थे, इसलिए देखा तो वहाँ से बस पलट गई और अचानक पता नहीं। अचानक से हुआ जी, ड्राइवर ने क्या किया जी कुछ नहीं पता जी, उसमें ड्राइवर की गलती है, आगे कुछ उसके आया जी, हम पिछली सीट पर थे जी, और इसका यह नहीं पता जी आगे। उसके बाद जी किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं सूझा, कोई किसी के ऊपर गिरा जी, कोई कैसे गिरा जी, और उसका जो सेफ्टी दरवाज़ा था पीछे वो खोला जी मैंने, खोल के फिर वहाँ से बंदे निकाले। क्या नाम है इनका? संजय जी। कहाँ से हैं ये? तो कौन सी हरियाणा रोड? हरियाणा जी। कहाँ से चले थे? कुरुक्षेत्र से। पीपली से। जाना कहाँ था? दिल्ली जाना था सर। अगर हादसा कहाँ हुआ? ये यहीं करनाल पुल के पास। पुल के पास, अनाज मंडी के पास। हाँ जी, हाँ जी, ठीक।